सो हे एवरीवन, संदीप सिंह दिस साइड, वेलकम करता हूं आप सभी का आज की एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइज, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने न्यू रिसेंट के अंदर ज्वाइनिंग कर लिया, उनको नहीं पता अपनी आईडी को कैसे ओपन करते हैं, कैसे अपनी आईडी को अपडेट करते हैं, कैसे अपनी केवाईसी फिल करनी है, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, कैसे आपका इनकम होगा। तो गाइज, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना। सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हो, कैसे अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हो एंड कैसे आपका इनकम होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बंधु से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पे इसी तरह से यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलूंगा अपने फोन की स्क्रीन पे एंड आपको सारा कुछ बताऊंगा। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, मैं अपने फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने रिसेंट के अंदर खुद से आईडी बनाया तो आपने अपनी आईडी को ओपन कर लिया होगा, एंड अगर आपने किसी से रजिस्टर करवाया तो उसने आपको अपनी आईडी पासवर्ड सेंड किया होगा। मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी आईडी को ओपन करना है एंड आगे क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे चले जाना है, वहां पे सर्च कर लेना है रिसेंट। रिसेंट सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपने क्या करना है, राइट साइड पे यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको लॉग इन करना अपनी आईडी को। ठीक है, जो भी आपकी आईडी होगी, जो भी आपका पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आपने फिल करना एंड उसके बाद अपनी आईडी को लॉग इन कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड और अपना आईडी एंटर करके लॉग इन किया, तो मेरा आईडी यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। ठीक है, ये एक डेमो अकाउंट है, ठीक है, ये किसी का भी रियल अकाउंट नहीं है, ये ओनली डेमो अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक पिछला वीडियो डाला था, जो वीडियो मेरा YouTube से रिमूव हो गया था, सेम टॉपिक था उसका भी, व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइनिंग। तो सेम वीडियो ये भी है, इसके अंदर मैं किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाला जिससे कि मेरी वीडियो रिमूव हो। विदाउट एनी रीजन YouTube वालों ने मेरी वीडियो को रिमूव कर दिया था, मतलब मैंने किसी का भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया था, तो इस वीडियो के अंदर भी मैं नहीं करूंगा। आई होप कि ये वीडियो मेरा रिमूव नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है। ठीक है, तो ऐसे आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड शो करता है, यहाँ पे आपकी इनकम शो करेगा, 2 डेज इनकम, 7 डेज इनकम एंड 30 डेज अर्निंग, मतलब सारी आपको यहाँ पे अर्निंग शो करता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना, आपने राइट साइड पे आपको जो 3 लाइन दिख रही है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना, सबसे पहले माई प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना, देन यहाँ पे आपको ऊपर शो करेगा, यहाँ पे अपना स्पॉन्सर की डिटेल शो करेगा एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन शो करेगा। राइट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मेल। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट कर लेना, मेल हो तो मेल सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर करना, जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा, कुछ भी मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा, बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको अपना सिटी डाल लेना, आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना, देन उसके बाद आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना। उसके बाद लास्ट नंबर पे यहाँ पे आपको अपना डीपी लगा सकते हो। यहाँ से डीपी कैसे लगाना है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी के ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना, जो आप प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड चेंज पे क्लिक कर देना, आपकी जो प्रोफाइल है वो सेट हो जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है केवाईसी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से जाके आप लोग अपनी केवाईसी कर सकते हो। ठीक है, अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, जिसमें आप विड्रॉल करोगे, आपका जो भी इनकम होगा उसको विड्रॉल करोगे। केवाईसी कैसे करना, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप यहाँ पे गलती कर दो तो आपका विड्रॉल रुक जाएगा। राइट, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट नंबर पे आपको होल्डर नेम डालना है। अब होल्डर नेम क्या डालना है भाई, देखो जिस भी बंदे का आप बैंक अकाउंट डाल रहे हो उसी का आपको होल्डर नेम डालना है, जो उसकी पासबुक पे है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ भी डाल के नहीं दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे आप अपना नेम डालोगे, जिसका भी अकाउंट नंबर है उसका, यहाँ पे आईएफएससी कोड डालोगे। ठीक है, आईएफएससी कोड आपको ध्यान से डालना है अपनी पासबुक पे देख के। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जीरो की जगह ओ डाल देते हैं एंड कुछ ओ की जगह जीरो डाल देते हैं, वो आपको जरूर चेक कर लेना। देन उसके बाद आपको अकाउंट नंबर एंटर करना एंड उसके बाद आपने बैंक का नाम लिख देना। ठीक है, जो भी आपका बैंक रहेगा XYZ वो आपने यहाँ पे डाल देना एंड उसके बाद आता है UPI। ठीक है, अगर आप लोगों के पास UPI आईडी है तो आप UPI यहाँ पे फिल कर सकते हो, अगर आपके पास UPI नहीं है तो आप यहाँ पे XYZ डाल सकते हो। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपने एक बार इसको फिर से चेक कर लेना, देन उसके बाद सेव एंड चेंज पे क्लिक कर लेना। सेव एंड चेंज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना, फिर से 3 लाइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे माई प्लान वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे यहां से क्या होता है, यहां से आप अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपने जो भी पैकेज लिया
उससे अगर आप ऊपर वाला पैकेज लेना चाहते हो, उससे बड़े वाला पैकेज लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हो। जैसे कि इस आईडी पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टर पैकेज है, तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव प्लान। एंड अगर हम इंटरमीडिएट पैकेज लेना चाहते हैं तो लिखा हुआ यहाँ पे अपग्रेड टू इंटरमीडिएट पैकेज, एंड आगे उसका प्राइस लिखा हुआ कितने पैसे आपको पे करने होंगे। ठीक है, तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपने स्पॉन्सर से कॉन्टेक्ट करें या फिर कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, यहाँ से आपका पैकेज अपग्रेड होगा। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वो है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। इससे क्या होगा, इससे ये होने वाला है कि देखो भाई आपके रेफरल कोड के थ्रू या फिर आपके रेफरल लिंक के थ्रू कोई भी बंदा अगर रजिस्टर करता है और वो आपके वॉलेट के अंदर रिक्वेस्ट डालता है, ठीक है, तो यहां से आप उसकी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं आई एंड हम किसी की भी आईडी एक्टिवेट नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपके वॉलेट के अंदर अमाउंट नहीं है, अगर आपने रिसेंट से अर्निंग नहीं करी हुई, आपका वॉलेट 00 है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 00 शो कर रहा है वॉलेट, यहाँ पे जो पेंडिंग अमाउंट है वो भी 00 शो कर रहा है, तो आप किसी की भी आईडी ऐसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट वाला प्रोसेस। एंड आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आता है अपग्रेड रिक्वेस्ट वाला, मतलब जो आपकी टीम है, जो आपके डाउनलाइन है, अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ से आप उसका अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला ऑप्शन है माय टीम का। ठीक है, जिन भी लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हो, जो आपके डाउनलाइन है, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा, किस बंदे से आपको कितना इनकम आ रहा है। ठीक है, जो भी आपको पैसिव इनकम आएगा उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी हम फिर से थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप्स लिंक दिखता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, ग्रुप्स लिंक पे क्लिक करके जाके सारे के सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, स्टोरी मटेरियल ग्रुप। उसके बाद आता है स्पोर्ट टीम का, यहाँ पे नंबर भी है, देन उसके बाद इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारे जो कंपनी का ऑनर है उनका यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, तो आपने इनको फॉलो भी कर लेना है एंड ये सारे के सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आता है हमारा लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड पे यहाँ पे जो भी लोग डेली इनकम करते हैं उनका इनकम यहाँ पे शो करता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूजर लीडर बोर्ड। यहाँ पे जो भी आज के 10 टॉप पर्सन है जिन्होंने ज्यादा अर्निंग करी है उनका नाम यहाँ पे शो करेगा, एंड लास्ट 7 डेज का भी शो करेगा, लास्ट 30 डेज का भी शो करेगा, एंड ऑल टाइम अर्निंग भी यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे देख सकते हो आपका भाई है, ठीक है, 10,49,000 से भी ज्यादा की अर्निंग है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद आपको यहाँ पे माई कोर्स वाला सेक्शन दिखता है। ठीक है, यहीं से आपको लर्निंग करनी है, यहीं पे आपके कोर्स है, जो आपने आईडी बनाया, जिस भी पैकेज के अंदर आपने आईडी बनाया, वो सारे के सारे कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो आपको यहीं से लर्निंग करना है, आपको यहीं से सीखना है। अगर आप लर्निंग नहीं करते तो भाई आपकी अर्निंग होने के चांस भी नहीं है, तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लर्निंग करना। देखो यहाँ पे देख सकते हो एफिलिएट सक्सेस सीरीज, लीड जनरेशन, सेल्स मास्टरी, ठीक है, जो भी कोर्स आपने लिए हैं वो आपकी आईडी के अंदर आपको यहाँ पे शो कर रहे होंगे। अगर आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करोगे, आगे आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, हिंदी इंग्लिश, आप हिंदी में देखना चाहते हो हिंदी पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे कोर्स आप यहाँ से वॉच कर सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो, ये भी क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो माई कोर्स के नीचे आपका यहाँ पे एफिलिएट लिंक दिया हुआ है। एफिलिएट लिंक से क्या होगा, यहां से क्या होगा, आप अपना रेफरल लिंक कॉपी कर सकते हो, रेफरल कोड कॉपी कर सकते हो, जिससे आप अपने डाउनलाइन को ज्वाइन करवाओगे उसका आईडी बनेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी रेफरल लिंक, अगर आप इस पे क्लिक करते हो आपका रेफरल लिंक कॉपी हो जाएगा, एंड आप व्हाट्सएप पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके जिसको भी अपना लिंक भेजना उसको आप लिंक भेज सकते हो, एंड वो आपके लिंक से आईडी रजिस्टर कर लेगा एंड आपको कमीशन आ जाएगा। आप रेफरल कोड भी भेज सकते हो, रेफरल कोड से भी आईडी बन जाता है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे जनरेट लिंक फॉर, नीचे लिखा हुआ ऑल पैकेज, अगर आप किसी अलग अलग पैकेज का लिंक जनरेट करना चाहते हो, जो भी पैकेज का लिंक जनरेट करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, नीचे लिंक यहाँ पे आपको शो करेगा, कॉपी लिंक में क्लिक करना, आपका लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। एंड अभी हम बढ़ते हैं आगे, और कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद आपको वॉलेट ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके वॉलेट से जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी आप इनकम करते हो, अगर आप अपने वॉलेट से आईडी को एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे आपको शो करेगा। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं पे आउट ट्रांजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आपका पे आउट रहेगा, जो भी आप विड्रॉल करोगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। एंड उसके बाद चलते हैं यहाँ पे मेन जो आता है हमारा विड्रॉल रिक्वेस्ट, ठीक है, अगर आपने जो भी अर्निंग करी है उसको विड्रॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको शो करेगा। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ मेक पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पे शो करेगा, आपने रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा एंड 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी आईडी को अपग्रेड करना है, इस तरह से रिसेंट की आईडी को आप यूज कर सकते हो। एंड अभी मेन बात आती है कि यार आपकी अर्निंग कैसे होगी, आप कैसे यहां से इनकम कर पाओगे। तो देखो यार, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख के बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, आपको पता होगा कि यार यहाँ पे आपको क्या काम करना है,
यहाँ पे आपको कोर्सेज को प्रमोट करना, पैकेज को आगे प्रमोट करना, तभी जाके आप इनकम कर सकते हो। एंड उसी के साथ आप डिजिटल स्किल्स को भी लर्न करके इनकम कर सकते हो। अब डिजिटल स्किल्स जैसे कि मैंने आपको कोर्स वाले सेक्शन के अंदर जाके बताया, वहां से आप लर्न करके सीख सकते हो, कोर्सेज को लर्न कर सकते हो एंड उनके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। एंड उसके बाद मेन रहता है कि प्रमोशन का, ठीक है, आप एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। अब आपका इनकम कैसे होगा मैं आपको बता दूं। देखो भाई, आपको प्रमोशन करना स्टार्ट कर देना, सोशल मीडिया पे आपको वर्क करना स्टार्ट कर देना, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, यहाँ पे आप लोग कंटेंट डालो, रील्स डालो, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, ठीक है, वहां पे अच्छा बायो लगाओ, अच्छी डीपी लगाओ, हाइलाइट्स लगाओ, रील्स डालो, जिससे आपके पास कस्टमर्स आएंगे एंड आप उनको बिजनेस के बारे में बता पाओगे, उनको अपने साथ बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। अब देखो काफी सारे लोग होंगे बिना मेहनत के चाहते हैं कि वो उनके पास पैसे आए, तो ऐसा नहीं होता। बिना मेहनत के आपको पैसे नहीं मिलने वाले, बिना मेहनत के आपकी अर्निंग नहीं होने वाली, आपको मेहनत करनी है तभी जाके आपको मेहनत का फल मिलेगा। एंड जिस भी पर्सन के साथ आपने ज्वाइन किया, ये नहीं है कि आप उसको बार बार जाके परेशान कर रहे हो, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, भाई कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई नहीं कर रहा, आपको काम खुद से करना, आपको सीखना खुद से है। कुछ ही समझ में नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे सर्च करो, जाके देख सकते हो। एंड मेरा भी पूरा एफिलिएट सीरीज आने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर ए टू जेड बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो कर सकते हो, अपने बिजनेस को 10x ग्रो कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आपकी फर्स्ट सेल होगी, लीड्स कैसे बात करते हैं, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, ए टू जेड सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर जिस पर्सन के साथ आपने ज्वाइन किया वो पर्सन आपको सेंड कर देगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।